पिनी, ये टोपर क्या होता है? वही जो मैं अपने स्कूल के दिनों में हुआ करता था, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कथक भी। ओ, तो टोपर मतलब पढ़ाकू बच्चे जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हैं। इसीलिए तो मैं कहूँ कि हमारे होटल में तेल की स्मेल कहाँ से आ रही है, क्योंकि पढ़ाकू बच्चे ना हमेशा अपने बालों पर तेल और आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगाकर घूमते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई पढ़ाकू बच्चा अपने बालों पर तेल लगाता हो। तुम जैसे लोगों की वजह से सारे पढ़ाकुओं का नाम बदनाम होता है। पिनी, वो पढ़ाकू लड़का कितना क्यूट है ना? वो तो है, पहले मैंने देखा जैसे कि वो तुम्हें घास डालेगा। घास? पर मैं घास के साथ क्या करूंगी? पता नहीं, वैसे भी मुझे घास से एलर्जी है। हाय, तुम चतुर क्लास से आए हो? हाय अक्षय, चतुर फर्स्ट क्लास। हाय, मैं रानी, आई लव फर्स्ट क्लास सबसे ज्यादा प्लेन्स में। तुम कितनी फनी हो। ये तो बस ट्रेलर है, आगे आगे देखो क्या होता है। तो तुम घास खाते हो? क्यों, क्या तुम पूछ रही हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ? ओह, तुम मुझे लंच पर इनवाइट कर रही हो। हाँ, लेकिन घास खाने के लिए नहीं। चलो, वैसे भी मैं इन पढ़ाकू लड़कों से बहुत बोर हो जाता हूँ। ओके। मार्क वॉरियर के डबल पंच से कोई नहीं बच सकता। कबीर का तू टांग दे, कबीर टांग दे। आउच, ये सैंडविच कल से यहाँ छुपी हुई है। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। अब तू इसे खाने वाला तो नहीं है ना? आज ये कमरा साफ होकर रहेगा। मुझे एक भी चीज यहाँ की वहां नहीं दिखाई देनी चाहिए। चलो शुरू हो जाओ। आउच आउच आउच। चलो कबीर, शुरू हो जा। जब तू थक जाए मुझे डैक दे देना। चल चल, इस बार तू साफ कर और मैं रेस्ट करूंगा। आउच। नी, ये क्या है? करण, तूने आइसक्रीम गिरा रखी है। कल तो ये वैनिला था, आज कुछ और ही है। रानी, तुम कितनी होनहार हो। हाँ, बचपन से मैंने कभी हार माना सीखा ही नहीं। फनी भी। रानी, होनहार का मतलब होता है? मैं जानती हूँ कि होनहार का मतलब क्या होता है। आखिर मैं भी एक टोपर हूँ। टोपर? रानी, अगर ये एक टॉपर है तो मैं एक बेली डांसर हूं। सॉरी, वो एक्सरसाइज एब्स। और फिर उसने कहा कि 1 किलो आयरन 1 किलो कॉटन से ज्यादा भारी होता है। मैं बस एक मिनट में आई। पिनी, प्लीज मेरी मदद करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। तो मुझे कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे ऐसा लगे कि मैं पढ़ाकू हूँ। तुम उसे ये कहो कि तुम्हें हिस्ट्री बहुत पसंद है। कौन सा ट्री? रानी, तुम्हारी हैट तो बहुत अच्छी है, जरा दिखाना। तुम उसे इम्प्रेस करो या ना करो, वो तुम्हें डेट पे कभी नहीं लेके जाएगा। रानी, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? सैटरडे को आर्ट म्यूजियम चले? आर्ट? आर्ट म्यूजियम जा सके मैं थक जाऊंगी ना, 2-3 चलेंगे। ये कितने? बहुत। ओके, बाद में मिलते हैं। वो क्या है ना, आज मेरे प्रोफेसर जीन्स पे एक लेक्चर देने वाले हैं, सो बाय। पिनी, जीन्स पे लेक्चर तो मैं भी दे सकती हूँ, मेरे पास सारे कलर और सारे फिट का जीन्स हैं। रानी,
तुमसे ज्यादा दिमाग इस पौधे में है, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद मांग रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, तुम्हारी गुलाम थोड़ी ना हूँ। 500 रुपए चलेंगे, जो हुक्म मेरे आका। रानी कहाँ खो गया था? आधे घंटे पहले मॉप लाने वाला था ना तू? हाँ यार, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया पर मिला ही नहीं। कहाँ ढूंढा? फ्रिज में। मॉप नहीं पर दो पेस्ट्रीज और परसों रात के नूडल्स मिल गए। अब इस नूडल्स को छोड़, नूडल अभी आता ही होगा। हे नूडल्स, नूडल अच्छा जोकता ना, जल्दी से गेम निकल। परफेक्ट करण, ये तूने कब, कैसे मिल गया? क्या गेम? हाँ, और मेरा बचा हुआ केला। शी करण, तू इतना गंदा कैसे हो सकता है? अब ये सब जल्दी से साफ कर। नहीं, अगर तूने ये सब साफ नहीं किया ना तो क्या? तो ये सब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। अब हट। कौन तैयार है खेलने? दुनिया का सरताज। मम्मी। कबीर। हाँ? तुम्हारा रूम इतना गंदा क्यों है? क्योंकि मेरा रूममेट एक बंदर है। क्या? अगर तुम लड़कियों की गपशप हो गई हो तो गेम खेले। गाइस, तैयार हो? क्योंकि ये कोई मामूली गेम नहीं, इसे सिर्फ वही खेल सकते हैं जिसका दिल लोहे का हो। मेरे मिनी समोसा रेडी हो गए। तुमने उसके साथ तीन अलग अलग तरह की चटनियां बनाई है ना? नूडल चटनी के बगैर दुनिया का सरताज खेलना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। अब मैं तेरी दुनिया का सरताज बनने वाला हूँ। कोई आखिरी ख्वाहिश? मिनी समोसा अलग अलग चटनियों के साथ। एक्सक्यूज मी, यहाँ मैं दुनिया का कब्जा करने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी, भूखे पेट दुनिया का कब्जा कैसे करोगे? वो तो है। गरम है। शी करण, तूने कारपेट पे चटनी गिरा दी। नो प्रॉब्लम, अभी साफ कर देता हूँ। साफ हो गया। जयसवाल, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? थोड़ा चिल करना। नहीं, मैं चिल नहीं कर सकता। तू हमेशा अपने कमरे को कचरे का डिब्बा बना के रख देता है। इनका फिर से शुरू। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तू अपने कपड़े लॉन्ड्री में डाल दे, अपने स्कूल बैग को कबर्ड में रख दे, अपनी बुक्स को जगह पे रख दे, अपनी बेडशीट को बैग पे रख दे। बस सलाह। ये ले, हो गया साफ। अब चिल्लाना बंद कर। मैं चिल्ला नहीं रहा। कुछ नहीं आंटी जी, बस मिस्टर मिसेस जयसवाल के बीच में थोड़ी खिटपिट हो रही है। हमेशा ऐसा ही होता है, गेम पूरा करने का मौका ही नहीं मिलता है। मैं नहीं खेलने वाला, चलो। अरे तुम सब एक दूसरे की दुनिया पर शांति से हमला नहीं कर सकते? मैं मिनी समोसा भूल गया था। आप लोग लगे रहो। एक तो ये कमरा भी साफ नहीं किया है और एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हो। मॉम, मैंने ये रूम साफ किया था, पूरी तरह से साफ किया था, लेकिन इस कारण ने फिर से गंदा कर दिया ऐसे। वीर, हम दोनों भाई है, हम ये रूम शेयर करते हैं, तुम्हें इंजाम भी शेयर करना चाहिए ना। नहीं, मुझे तेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करना, ना रूम, ना इंजाम और ना मॉम। वो तो शेयर करना ही पड़ेगा, एक ही है। ओह, मैं कितनी लकी हूँ। अब मैं तेरे साथ और एक मिनट नहीं रुक सकता, मैं इस कमरे को छोड़ के जा रहा हूँ। कबीर, तू जाएगा कहाँ? एक ऐसी जगह जहाँ मेरी कदर हो, जिसे मैं अपना कह सकूँ, जहाँ हर एक चीज अपनी जगह पर रखी हो और जहाँ ये करण कभी नहीं आएगा। मॉम,
कबीर होटल की लाइब्रेरी में शिफ्ट होने की बात कर रहा है। नहीं, होटल की लाइब्रेरी में नहीं, मैं इस कबर में शिफ्ट होने जा रहा हूँ। वैसे करण, कबीर के चले जाने के बाद हमारा घर कितना सूना हो गया है ना। आज भी लेट। आपका होटल है ना, जाइए काम कीजिए। मानसिंह, इसमें से मैं किसमें पढ़ाकू लग रही हूँ? नहीं ना, ये वाला ठीक रहेगा। ओह नो, इसलिए तो मुझे टॉप चेंज करना पड़ेगा। जानी, मुझे तुम्हें पढ़ाकू बनाने का तरीका मिल गया। कैसे बिनी? क्या कोई बंदर ब्रेन ट्रांसप्लांट के लिए मान गया? नहीं जानी, चेरा मेरा आइडिया, ये चिप, ये चिप। यू, इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है, कैसा चिप है ये? क्योंकि ये चॉकलेट चिप नहीं, कंप्यूटर चिप है, और ये तुम अपने मुंह में नहीं, अपने कान में लगाओगी, ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, और अक्षय को पता भी नहीं चलेगा। या तुम ऐसा कर सकती हो कि अक्षय को सब सच सच बता दो, शायद वो तुम्हें पसंद करे। दो दिल में लगाए हैं वो। I'm sorry. All the best. Okay, तो अब से तुम वही कहोगी जो मैं कहूंगी, समझी? Okay, अब से तुम वही कहोगी जो मैं कहूंगी, समझी? अभी से नहीं रानी, अभी से नहीं रानी, स्टॉप इट, स्टॉप इट। इस काम के लिए मुझे 5 रुपए से ज्यादा मिलने चाहिए थे, इस काम के लिए मुझे 5 रुपए से ज्यादा मिलने चाहिए थे। विनी, मैं तुम्हें 5 रुपए के साथ अपने गोल्डन वाले शूज और मैचिंग वाली पर्स भी दूंगी। विनी, नो चांस। करण, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ चाहिए? हाँ, मेरे 12 साल और इस बार कबीर के बिना। लगता है करण का टीवी सीरियल देखना बंद करना पड़ेगा। आओ, मॉम, मैं कपड़े बदल रहा हूँ। सॉरी कबीर। मॉम, क्या आपको पता नहीं दूसरों के कमरे में नौकिया भी नहीं आना चाहिए? हाँ, मैं भूल गई थी कि मेरा कबर्ड अब तुम्हारा कमरा है। प्लीज मुझे मेरा बैग दे दो। ये वाला नहीं, लाल वाला। इस सूट के साथ नहीं। हे कबीर, तेरे नए रूम में मिस्टर चिपकली और मिसेस मकड़ी कैसे है? मिस्टर कॉकरोच है तो तू मिल ही चुका है। मेरे पुराने रूम में से तो 1000 गुना बेटर है। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मुझे अपने कमरे की कुछ मरम्मत करनी है। बेटा प्लीज कुछ ज्यादा मरम्मत मत कर देना, याद रखना ये हमारा घर नहीं है। नहीं मॉम। लगता है नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अब या तो इस पेंटिंग को एक महान आर्टिस्ट ने बनाई है या फिर उसकी एक बिल्ली ने। बिल्ली ब्रश कैसे पकड़ेगी? तुम बहुत फनी हो, बहुत ही फनी हो। चलो वहां चलते। ओके, तुम्हें ये पेंटिंग कैसे लगी? तुम्हारा मतलब है एमएफ हसीना की शैतानी पेड़? मुझे लगता है कि ये पेंटिंग पर्यावरण सुरक्षा जागृत करने की एक महान कोशिश है। अब मुझे लगता है कि ये पेंटिंग ना एक परिवार सुरक्षा पर्यावरण रानी पर्यावरण सुरक्षा जागृत करने की महान कोशिश है। रानी वाव, आई मीन तुमने जो भी बात की ना दिल को लग गई, आई मीन टू मच, तुम्हारी सोच कितनी गहरी है। क्या करूं, अब मुझे 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 कला बहुत पसंद है। कला तनीषा वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लड़ाकू कहीं की। इसकी सिर्फ एक ही आंख है। क्या कर रही हो तू? मेरी दोस्त है रानी, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, उठ जाओ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल है, और देखो कुशन्स भी नहीं है। तुम जितनी स्मार्ट हो ना उतनी ही फनी हो। खैर छोड़ो, तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? मेरा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? राणा सिंह अय्यर। राणा सिंह अय्यर वो आज के हमारे पहले कॉलर है जिन्होंने जीता है 1 किलो नुराना वॉशिंग पाउडर। सॉरी रानी, एक्चुअली ये चिप कभी कभी एफएम रेडियो पकड़ लेता है।
मुझे अफ्रीका पे कब्जा कर लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। अरे तेको कितनी बार बोला, ये गेम है गेम, और ये जो जानवर है ना वो नकली है। कबीर क्या कर रहा होगा? कुछ नहीं, कुछ साफ करने के लिए ढूंढ रहा होगा, और क्या। शायद वो मेरे जूते साफ कर ले, मैं उसको पूछ के आता हूँ। अरे लेकिन तेरा टर्न है। मुझे कबीर की इतनी याद आ रही है कि मुझे उसके छोले भटूरे की खुशबू आ रही है। एक मिनट, ये कबीर के छोले भटूरे की खुशबू है। मैं भी चेक करके आता हूँ। ये लोग ऐसे गेम छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मैं लेके आता हूँ, ठीक है? यार ये क्या है? मैंने ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक ऐसा ही पेंटिंग बनाया था और मेरी टीचर ने मुझे फेल कर दिया। तुम्हें पसंद आया? मुझे पसंद आया? बोलो पसंद आई। बोले तुम्हें पसंद आई। क्या? अच्छा छोड़ो, तुम्हारा फेवरेट क्लास कौन सा है? फर्स्ट क्लास। स्टूपिड। वो स्टूपिड नहीं, तुम स्टूपिड हो। उससे पूछो कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। वैसे तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स? मेरे फ्यूचर प्लान्स है कॉलेज, आईएएस, पॉलिटिक्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं तुम्हारी असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ। ठीक है। उससे पूछो कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पोल्यूशन की प्रॉब्लम कैसे हटाएगा। तुम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पोल्यूशन की प्रॉब्लम कैसे हटाओगे? अरे पोल्यूशन वोल्यूशन पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं लगता कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। कुछ लोग तो ऐसे ही। या तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? क्या तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? उस बेवकूफ से कहो कि उसके जैसे लोगों की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। मैं नहीं बोल सकती। तुम क्या नहीं बोल सकती? कि तुम जैसे बेवकूफ की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी नौकरी गई। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता हूँ। और अब मैं भी नहीं। उस पड़ाकू चंपू से कह दो कि हेलो। तुम कौन हो और मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? हाँ, तुम कौन हो और इसकी बेइज्जती क्यों कर रही हो? मैं रानी का दिमाग हूँ। और सुबह से तुम मुझसे ही बात कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती। एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? सच बात हुई कि सुबह से मैं जो भी कह रही हूँ विनी मेरे कान में कह रही थी इस कंप्यूटर चिप से, लेकिन ऐसे खाना मत, कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। ये तुम्हारे लिए बात कर रही थी। और एक मिनट, क्या इसने अभी कंप्यूटर चिप खाने की बात कही? हाँ, खाने की नहीं, ना खाने की। ये है रानी के सोच की गहराई। मैं स्मार्ट नहीं हूँ और ना ही पढ़ाकू चंपू हूँ। सच बात हुई कि तुमने आज तक मुझसे जो भी खाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब जो भी बातें मैंने तुमसे कही और तुमने मुझसे कही वो पेंटिंग्स और वगैरह वगैरह के बारे में तुम नहीं विनी कह रही थी। एक मिनट, लेकिन वो चॉकलेट आइसक्रीम के बारे में वो मैंने कहा था। चॉकलेट मेरा फेवरेट फ्लेवर है, मेरा उसके चार कप खा सकती हूँ। तो तुम अपने असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ रहो, लेकिन तुम्हें मेरा वोट नहीं मिलने वाला। मुझे तुम जैसे चिड़चिड़े लोगों का वोट चाहिए भी नहीं। तुम जैसे लोग पैसों की लालच में अंधे हो गए हो। और तुम जैसे लोग छोटी बात का पतंगड़ बनाने में एक्सपर्ट होते हो। चिड़चिड़ी चिपकली लाची पीएम, क्या तुम ऐसा डिनर पर चलोगी? तुम जैसे स्मार्ट लड़की को ये बात पूछने में इतना टाइम क्यों लग गया? यस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ, राजेश, डब्बू और नूडल। देखना पड़ेगा वो कहाँ है। देखना पड़ेगा वो और कहाँ हो सकते हैं? तुम्हें कबोर्ड में हो। ठीक है, अंदर आ जाओ। ओ बेटे, तो आप पीने में क्या लोगे, ठंडा या गरम? गरम ले, हॉट चॉकलेट है। जरा देखना ना कौन है। मैं कार्पेट वाला हूँ, रूम का माप लेने आया हूँ। रूम का माप लेने की क्या जरूरत है, साइज एक्स्ट्रा स्मॉल। आइए आइए, जरा पकड़ना। वाव, ये जगह कितनी सही है। हाँ, एकदम छोटे से घर जैसी। छोटा और कोजी, मजेदार और क्यूट।
स्टूपिड और स्टूपिड। कौन? मैं बेड बनाने आई हूँ। आइए मैं आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी साइड प्लीज। एक्सक्यूज मी। ओह मेरी पीठ। गाइस अब गेम शुरू करें। हाउसकीपिंग, रूम साफ करने आई हूँ। आइए आइए, आपका ही तो इंतजार था। डिलीवरी। आपकी ही तो कमी थी। कबीर जायसवाल के लिए बिग स्क्रीन टीवी की डिलीवरी है। लाइए लाइए, इधर लाइए। साइड साइड प्लीज, साइड प्लीज। कबीर तेरे पास ये सब चीजों के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए? करण मैंने अपने पॉकेट मनी की स्मार्ट सेविंग्स की। अब देख मेरे पास ये रूम है, कपड़े हैं, ये शानदार टीवी है। तेरे पास क्या है? आई मेरे पास माँ है और एक बड़ा सा रूम भी। हाँ, एक बहुत गंदा कमरा जिसमें से मोजे की बास आती है। अरे आइए आइए, पार्टी अभी ही शुरू हुई है। किसी ने मसाज के लिए बोला था? हाँ मैंने। सही हटिए। आज मैं शैम्पू करने वाला हूँ तो सोचा तेरी चंपी हो जाए। वाह वाह क्या बात है, तुम लोग एक कबाड़ में हो और क्या क्या करोगे? रूम सर्विस। ओह नो। खाना। वाह कबीर तेरी पार्टी कितनी मस्त है। इस पनीर टिक्के ने मम्मी की याद दिला दी। तुम लोग मेरे बड़े कमरे को छोड़ गए इस 6 फुट के कमरे में। 6.5 फुट। सॉरी 6.5 फुट के कमरे में एंजॉय कर रहे हो? ठीक है मैं जा रहा हूँ, हट। अंदर क्या चल रहा है? कबीर की पार्टी। लोग कबर्ड में कब से पार्टी करने लगे?